सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। बुरी खबर लेकर आया हूँ। जैसा कि थंबनेल में मैंने बताया है, इट्स अबाउट रीस्टॉक ओनली। मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा मूड भी ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो ये मिली है, तभी मैंने अनकन्फर्म डेट डाली थी। और सच में जो न्यूज़ मुझे अभी अपडेट मिला है, चांसेस नहीं है इस मंथ रीस्टॉक आने के। बट जितनी और इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन रहेगी। मूव हो गया है नेक्स्ट मंथ में, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर रीस्टॉक। डेट्स नहीं है, तभी मैंने वीडियो बनाई थी कि डेट्स कंफर्म नहीं है जो मैं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जो रीज़न था वो मुझे पता चला था। और अब उसको इंटरनल रीजंस को मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ, जो मेरे 4-5 दोस्त हैं मेरी, उनसे बात हुई थी व्हाट्सएप पे। सो खैर, इट्स फाइन। लेकिन आप लोगों के लिए अपडेट यही है कि मैं आप लोगों को गलत उसमें नहीं रखूंगा। बिल्कुल कंफर्म था रीस्टॉक, लेकिन मूव हो गया है इस मंथ। जो मुझे अभी फिलहाल अपडेट मिला है, आई थिंक हार्डली 15 मिनट पहले, वो यही है कि इस मंथ रीस्टॉक नहीं होने के चांस हैं, और नहीं होगा शायद, और होगा ही नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन जो मूव ज़्यादा दूर नहीं हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर है, और डिलीवरीज जो होंगी वो 15 दिसंबर से पहले हो जाएंगी आपको। सो गाइज, इस न्यूज़ को आप जैसा लेना चाहो ले सकते हो, बट मेरे लिए तो ये बुरी खबर है। मतलब इन द सेंस, उन लोगों के लिए बुरा फील कर रहा हूँ जिन लोग जो लोग वेट कर रहे थे PS5 का। और हाँ, जो न्यूज़ मैंने बाकी दी है, 3D Pulse, चार्जिंग डॉक स्टेशन वगैरह, ये सब कन्फर्म है, आ रहा है ऑलरेडी। ट्विटर पे भी हो गया। आज मुझे ट्विटर पे एक और नज़ारा देखने को मिला, लीव इट, कि यूट्यूबर्स को कुछ समझा ही नहीं जाता एक्चुअली। खैर, एक्चुअली बर्दाश्त नहीं होता किसी से, प्रॉब्लम मुझे लगता है यहाँ पर ये है। खैर, मुझे इसमें नहीं पढ़ना ही नहीं है किसी से, क्योंकि लड़ना चाहूँ तो मैं भी लड़ सकता हूँ किसी से भी, चाहे वो शब्दों की जंग हो या फिर वैसे जंग हो भाई। और दूसरी मुद्दा सिर्फ इतना है कि मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग। जस्ट अभी आया, मैंने कॉन्टैक्ट किया कि भाई आज भी मैनर अपनी हुआ, चक्कर क्या है। सो गाइज, न्यूज़ मेरे को ये मिली है कि इस मंथ रीस्टॉक नहीं होगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही होगा। और बाकी जो 3D Pulse, चार्जिंग डॉक, जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो सारी की सारी वही है। और कोई फर्दर अपडेट मिलेगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है एग्जैक्टली वही देता हूँ आपको। सो अकॉर्डिंग टू मी, देर इज नो रीस्टॉक इज गोना हैपन इन दिस मंथ। मोस्ट प्रोबेबली इट विल मूव टू द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर। और द रेस्ट द इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन यू रिगार्डिंग 3D Pulse एंड चार्जिंग डॉक स्टेशन ऑन आई थिंक 12th दिसंबर, आई थिंक बिफोर एवरी वन। नाउ इट्स कन्फर्म बाय ट्विटर ऑल्सो, आई वुड लाइक टू से दिस। सो गाइज, द इन्फॉर्मेशन इज लाइक दैट ओनली। सॉरी, इस वीडियो में इतना ही है। सो मिलते हैं, अभी स्ट्रीम करूंगा, तो अगर आपके फिर भी कोई क्वेरी है या कुछ है, तो प्लीज़ आप आके ज्वाइन कर सकते हो स्ट्रीम, एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग इट। और मिलते हैं रात को स्ट्रीम पे, मिलते हैं गाइज। थोड़ा मैं भी अभी आया हूँ तो थोड़ा काम कर लें। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जो करंट अपडेट होंगे मैं वही दूंगा आपको। जल्दी जल्दी वीडियो बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है, बट हाँ, अभी फिलहाल जो अपडेट मिला है वो यही है, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट कि रीस्टॉक नहीं होगा इस मंथ। चांसेस तो यही हैं और यही इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मूव हो गया है। देर इज़ नो डेट कन्फर्म फॉर दिस मंथ, और इसीलिए मैंने अपनी पुरानी वीडियो में और थंबनेल में मैं अनकन्फर्म डेट लगाया था, क्योंकि चांसेस डाइसी थे। फर्स्ट टाइम मैंने वो थंबनेल लगाया था अनकन्फर्म। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।